जो 8.6% ट्राइबल हैं हिंदुस्तान में, ये प्योर वोटर हैं। लेकिन ये आदिवासी और बनवासी वाला शब्द की फर्क 1865 से शुरू हुआ। 1865 अधिनियम में ब्रिटिश शासन ने लगाया कि आप सब बनवासी हो। नमस्कार, जोहार, आप सभी को स्वागत करता हूं। मैं नूरुल इस्लाम, नूर नॉलेज मयूरभंज को। और आज की टॉपिक जो है, आज की मुद्दा जो है, उन सुर्खियों को जाके छूता है, उन बारीकियों को जाके छूता है जो आप लोगों के दिमाग में कभी किसी ने भी शायद इन मुद्दों के ऊपर बात नहीं किया है। आज की टॉपिक तमाम स्टूडेंट से लेकर तमाम बनवासी, तमाम आदिवासियों के लिए है। मुद्दा शुरू तो होती है उड़ीसा से, उड़ीसा से मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी की खत और मयूरभंज के कलेक्टर की ट्वीट से शुरू तो होती है, लेकिन मुद्दा काफी भयंकर है और मुद्दा काफी जानकारी लायक है। देखिए दोस्तों, हम आदिवासी किसे कहते हैं वहां से शुरू करते हैं, आदिवासी की सुरक्षा की तरफ। आदिवासी संविधान के अनुसार माना जाता है जो अति पिछड़ा वर्ग है उसे आदिवासी कहा जाता है। वो आदिवासी जो जंगल पे डिपेंड करता है और प्रकृति के साथ रहता है और अति पिछड़ा वर्ग में गिनती होता है। किसे आदिवासी की मान्यता भारतवर्ष में दिया जाएगा, इसमें काफी कठिनाइयां हैं। विश्व में आदिवासी की कैटेगरी एकदम अलग है, हिंदुस्तान में आदिवासी किसे कहा जाएगा इसमें संविधान में थोड़ा बहुत कठिनाइयां हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 342 के तरफ, अनुच्छेद 342 या अनुसारे यदि राष्ट्रपति कहारी को कौन सी समाज को कौन सी संप्रदाय को आदिवासी रूपे चिन्हट करिबे से आदिवासी होई जीव। अब आ जाइए मुद्दा को, एखन आपनार सबाई चले आसुन मुद्दा के। राष्ट्रपति यदि धारा अनुच्छेद संविधानेर अनुच्छेद 342 342 अनुसारे राष्ट्रपति जाके आदिवासी बोलबेन तारा आदिवासी होए जाबेन। अब आइए आदिवासी का जो संज्ञा है, जो डेफिनेशन है, उसमें अति पिछड़ा वर्ग जो जंगल के ऊपर डिपेंड करता है, जंगल भूमि में रहता है। जब तक ब्रिटिश इंडिया को नहीं आया था तब तक आदिवासियों के साथ किसी राजा, मुगल से लेकर उनसे पहले वाली जितनी भी, इंडिया को, भारत को, हिंदुस्तान को, कुछ भी नाम आप ले ले, इसके ऊपर जितनी भी राजा, रजुड़ा और सहनशाह, बादशाह राज किए, कभी किसी ने आदिवासियों के ऊपर किसी भी तरह की शोषण या धारा या कानून नहीं लगाया था। सबसे पहले व्यापार के लिए आया हुआ ब्रिटिश अपनी रेवेन्यू जेनरेट करने के लिए देखा कि हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा सोने का खदान से लेकर के हर चीज जंगल में ही है। हनी से लेते हुए लोहा, कोयला, पानी, जल, सब कुछ संपदा जंगल में ही है। तो उन्होंने 1865 में एक जंगल अधिनियम पारित किया। ब्रिटिश ने 1865 में जो अधिनियम पारित किया, यहां पर आदिवासियों के ऊपर शिकंजा लगा दिया। उन लोगों को तब आदिवासी से बनवासी वाली, बनवासी शब्द रामायण से आया है, सप्तगिरी उलाका, सप्तगिरी उलाका ये बात कहते हैं कि हम बनवासी नहीं है, हम आदिवासी हैं। लेकिन ये आदिवासी और बनवासी वाला शब्द की फर्क 1865 से शुरू हुआ। 1865 अधिनियम में ब्रिटिश शासन ने लगाया कि आप सब बनवासी हो। अब रेवेन्यू बन से आना चाहिए और आपकी इस जंगल पे, इस जमीन पे जो अधिकार है, लकड़ी पे, ये सारियों के ऊपर टैक्सेशन शुरू किया। फिर इसको दीर्घ 1927 तक का इस टैक्सेशन और बनवासी वाली शब्द को इंपोज करते हुए ब्रिटिश ने आदिवासियों के अस्तित्व के साथ खेला।
और जंगल से उन्हें धीरे धीरे से जुदा किया, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम में आज भी अगर कुछ बनता है, आप लक्ष्य कर लें कोई भी मिनिस्ट्री, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं जा रहे, किसी सरकार के विरुद्ध में या सपक्ष में नहीं बोल रहे, बस बोलना यह चाहते हैं कि जब भी कोई डेवलपमेंट वर्क होती है वो जंगल भूमि में होती है, पहाड़ी क्षेत्र में होती है, वो जिसमें आदिवासियों का अधिकार होता है। लेकिन 1927 में ब्रिटिश ने जंगल जमी को स्टेट के अधीन कर दिया, यानी कि जो स्टेट वहां है, जो राजा है, राज्य है, उसके अधीन में जंगल भूमि चले गया 1927 में। 1927 से प्रचलित होना शुरू हो गया कि जंगल के ऊपर डिपेंड करने के ऊपर, बालों के ऊपर काफी टैक्सेशन लगी, उन वो जमीन की मालिक नहीं रहे, उन्हें वनवासी कहा गया, एक वन से दूसरे वन में विस्थापन करना शुरू कर दिया गया, और उनकी लकड़ी काटने से शुरू करते हुए जंगल को कॉपीस, एक शब्द आया कॉपीस, जंगल को कॉपीस करता गया, और उन लोग बताने लगे कि आदिवासी हम लोग, अंग्रेज की जमाने में आदिवासी हम उनको बोलेंगे जो टोटम होंगे। टोटम एक शब्द है, जो टोटम शब्द का मतलब होता है कि पारंपरिक, जैसे कि बंदर से हम लोग इंसान बने, इंसान, ये जो परंपरा टोटम है, टोटम के अनुसार जो लोग आते हैं उन लोग आदिवासी में गिनती होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि यूट्यूब के गाइडलाइन के अंदर रहते हुए मैं सिर्फ चुंबक में आपको बताना चाहता हूं। 1927 से हम अगर ले चलते हैं बातों को, तो 1927 के पहले 1894 में थोड़ा बहुत तब्दीली किया गया था, जंगल जमीन में किसकी अधिकार होगी, लेकिन 1927 में इसके ऊपर पूरी हावी हो गया स्टेट। 1865 से 1988 ये दीर्घ काल शोषण करते चले आदिवासियों को। उसी के अंदर आता है 1855 की हुल जुआर, उसी के अंदर सब कुछ होता है ब्रिटिश के अगेंस्ट में। जो तब्दीलियां कानून हमारे भारत स्वाधीन होने के बाद, वही कानून, ब्रिटिश की कानून चलती रही आज तक। फिर संज्ञा आप समझ लीजिए, आदिवासी को टोटम में जो रहता है उसे आदिवासी कहा जाएगा। अब अगर हम लोग देख ले तो हमारी जो आदिवासी संप्रदाय में रहते हैं टोटम जैसे नहीं है, प्रकृति से प्यार करने वाले नहीं है। फिर संविधान ने इजाजत दिया कि आप अपनी अपनी आस्था परिवर्तन कर सकते हैं। तो अब वनवासी जिनको बोला गया था, आदिवासी से वनवासी हुए, फिर वनवासी से वनवासी की जो अपनी हैसियत है, जो अपनी धर्म है, वहां से टूटते हुए वो लोग मॉडर्न लाइफ के तरफ चले, और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब बताना शुरू कर दिया कि हम लोग डेवलप होने लग गए हैं। काफी एक्टिविस्ट जिन लोग सिर्फ सांताल कम्युनिटी से नहीं थे, सिर्फ ट्राइबल नहीं थे, अन्य जितना समाज से भी इसके ऊपर आंदोलन चलाते रहे कि नहीं, वनवासियों को वन के अधिकार होना चाहिए, यानी कि उन्हें आदिवासी की कैटेगरी देना चाहिए, वन की अधिकार उनके साथ रहना चाहिए। तो फिर आया 2006 में वन अधिकार अधिनियम 2006, यहीं से शुरू होता है संकट। 2007 में इलेक्शन थी, 2006 में आया अधिनियम, 2006 का अधिनियम, 2007 में इलेक्शन आई, 2014 आई, फिर 2022 के वक्त में फिर अधिनियम में लागू करने की पॉलिसी शुरू हो गई। यहां पर आ जाइए, थोड़ा राजनीतिक बात चुंबक से मैं बोलना चाहता हूं। जो 8.6% ट्राइबल हैं हिंदुस्तान में, ये प्योर वोटर हैं। फिर 20% जो अदर माइनॉरिटीज हैं, ये लोग भी प्योर वोटर हैं। वोट दान केंद्र में जब हम लोग जर्नलिस्ट के हिसाब में जाते हैं, लंबी लाइन के कतार में हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जो आज की भी टारगेट है, 2.8%, फिर 8.6%, फिर 22%। आपने देखे होंगे इलेक्शन में वही लोग जीतते हैं जिन लोग आउट ऑफ 65% वोटिंग में से सिर्फ 30% वोट जिसको मिलता है वो देश की राजा बन जाता है। समझ में आ गई? अब मुद्दा आइए जंगल अधिनियम 2006। अब आप लोगों के पास
आया है, लागू हुआ है। 2006 से आज तक जितनी अधिकार सब्यस्त करने के लिए एप्लीकेशंस गई है सरकार के पास, 2006 से आज 2023 तक मात्र 46% मामला के विचार हो पाई है, उन लोगों को अधिकार दिया जा सका। 8.6% आदिवासियों से, जो 8.6% आदिवासी थे, ये लोग अपने अधिकार फिर दोबारा अपना वोटर आईडी अपना सब कुछ डिपॉजिट करके जो अधिकार सरकार को मांगे, अभी तक वो अधिकार देने में सरकार सिर्फ 46% मामले पे सक्सेस हो पाया है। अब आ जाता है यूसीसी। हम खुद ही अपनी पैर को कुराड़ी में नहीं मार रहे हैं, कुराड़ी अच्छी आम गोड़ो नी की ताऊ पर मारू छू, यानी कि हम लोग पैर कुराड़ी में नहीं मार रहे हैं, कुराड़ी पे लेकर के पैर मार रहे हैं। सोचने की कोशिश कीजिए, यूसीसी आता है तो 1865 से शुरू हुआ जंगल के ऊपर का अधिकार सरकार की, आज 2023 में यूसीसी में 2006 की जंगल अधिनियम के बारे में दूसरा एपिसोड लेके आना चाहता हूं, क्योंकि मैं आप लोगों का डेटा और आप लोगों का वक्त को बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। आप लोगों को जितना मुझे कहना था उतना कह पाया, जितना नहीं कहना था इतना समझा पाया। आज के लिए मुझे यहीं रहने दे, आपकी होस्ट एंड दोस्त नूरुल इस्लाम।